आईडी केमिकल पॉइंट। इस चैनल के माध्यम से आप अपने डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूं कि अभी तक की हीट ट्रांसफर की सारी वीडियो आपको समझ में आई होगी। आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आप जानते हैं कि टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर चलता चला आ रहा है, बहुत सारी वीडियो टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर की पड़ चुकी है। आज का जो हमारा हीट एक्सचेंजर का टॉपिक है वो है यू ट्यूब हीट एक्सचेंजर। मैं आपको बता दूं, डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग के लिए मेरा यह चैनल स्पेशली वर्क कर रहा है, ठीक है। मेरे इस चैनल में के माध्यम से मेरी टीम जो है वो आपको जॉब देने का कार्य, इस सब्जेक्ट का नोट्स देने का कार्य, और केमिकल इंजीनियर से कोई भी प्रॉब्लम स्पेशली डिप्लोमा के लिए वो सारा सॉल्व करती है, ठीक है। तो हमें नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी डिप्लोमा केमिकल्स के लिए, क्योंकि इंडस्ट्री नॉलेज भी दी जाएगी, इंडस्ट्री में वर्क करने का मौका भी हमारे आपको इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, और अभी तक जितने डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग के नोट्स हैं वो भी आपको दिया जाएगा, और कई सारे बच्चे पा भी चुके हैं इसका मौका। तो अगर आप नए हैं तो मैं बता दूं कि ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका यूट्यूब हीट एक्सचेंजर क्या होता है। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा फिक्स ट्यूब सीटेड एक्सचेंजर क्या था, फिक्स ट्यूब वन एंड टू सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर क्या था, फिर आपने देखा इंटरनल फ्लोटिंग हीट एक्सचेंजर क्या था, आज देख रहे हैं आप यूट्यूब हीट एक्सचेंजर। यूट्यूब हीट एक्सचेंजर क्यों बोलते हैं पहले ये जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका जो ट्यूब है, ये देखिए मैंने एक्चुअली आपको समझाने के लिए वन ट्यूब लिखा है। बेसिकली जब बड़े स्तर पे आप इसी हीट एक्सचेंजर का यूज देखते हैं तो कई सारे आपको ट्यूब्स वहां पे देखने को मिलेंगे, लेकिन याद रहे जितने सारे ट्यूब देखने को मिलेंगे वो यू शेप के ही देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको एक देखने आपको समझाने के लिए ले रखा हूं, ये क्या है आपका ट्यूब है, किस शेप का है, यू शेप का है, इसीलिए इसी प्रकार के हीट एक्सचेंजर को बोलते हैं यू ट्यूब हीट एक्सचेंजर। दैट्स क्लियर, नाम क्यों रखा गया ये क्लियर हुआ, ओके। सारे पार्ट्स का डिस्कस मैंने कई सारी वीडियो में किया है, वो सब चीजें मैं यहाँ पे स्किप करूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और बताने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया है। क्या बताया है कि ये सेल कवर क्या होता है, ट्यूब क्या होता है, सेल क्या होता है, ट्यूब सीट क्या होता है, फिर आपको बैफल क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने पास पार्टीशन क्या होता है, बहुत सी चीजें बताई। वर्क भी कैसे हीट एक्सचेंजर का करता है ये भी बताया, सारे हीट एक्सचेंजर का लगभग सिमिलर आपका वर्क सेम रहेगा, फिर भी हम इसमें चर्चा जरूर करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे ये आपका जो सेल है नीचे का, सॉरी ये ऊपरी जो आपको भाग दिख रहा है उसको बोलते हैं सेल, इसमें आपका इनलेट यानी फ्लूइड को कोई इन कराएंगे, ठीक है। ये फ्लूइड क्या होगा, ऐसे यूं ऊपर जाएगा और यहाँ आउटलेट से निकल जाएगा, ठीक है, ओके। आपको बता दी जो हमारा सेल का फ्लूइड जाएगा, कभी भी याद रखिए वो इसके इधर नहीं है, क्योंकि आपका जो लगा हुआ है ट्यूब सीट, आपका जो ट्यूब सीट लगा हुआ है वहां से क्या होता है ट्यूब सेल की वह एक प्रकार का क्रॉस एरिया होता है, वहां से सेल की लिमिटेशन होती है वो, क्योंकि उसके अंदर ट्यूब्स गए होते हैं, ट्यूब सीट के अंदर ट्यूब्स गए होते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। अगर आपको पहली बार देख रहे हैं हीट एक्सचेंजर और ये सब चीजें क्लियर समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाके वो देखें ताकि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, ओके। तो सेल का आउटलेट आपने देख लिया, अब क्या होता है आपका ट्यूब साइड का इनलेट, ट्यूब के प्रूफ से इधर आएंगे, फॉस्फोरिलेशन इसको भरेगा, ये जैसे जैसे स्पेस आपको फाइट करेगा यहां तक जाएगा तो फिर इसको एक रास्ता दिखेगा, इसके रास्ते एक ट्यूब क्या होगा हमारा फ्लूड आपका फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जैसे कि आप यहां देखिए यह आएगा फ्लूड हमारा ये भरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही भरा अब फ्लूड हमारा इधर निकलना शुरू हो जाएगा, ट्यूब की बात मैं कर रहा हूं सर, ठीक है। ऐसे फ्लूड हमारा यूं आएगा, अब हो सकता है फ्लूड हमारा हार्ट फ्लूड हो, और चूंकि इसके बाहरी आवरण में आपको सेल में फ्लूड देखने को मिलेगा, ठीक है, तो यह दूसरे एक दूसरे के क्या हो रहे हैं मेटल के थ्रू हीट का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो बेसिकली ऐसे हीट का ट्रांसफर होता है। ये भी आपने एक बार और मेरे इस चैनल के माध्यम से देखा, और यहाँ से आपका ट्यूब साइड आउटलेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये यूट्यूब हीट एक्सचेंजर है। अब बात ये उठती है इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसकी एडवांटेज क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है। तो देखिए यूट्यूब हीट एक्सचेंजर का एक आप एडवांटेज ये बोल सकते हैं कि इस प्रकार के हीट एक्सचेंजर का यूज हम आपका रिब बॉयलर के लिए करते हैं। रिब बॉयलर क्या होता है, इसके बाद जो हीट एक्सचेंजर पढ़ने वाला है किटल टाइप हीट एक्सचेंजर, उसमें आप बड़ी डीपली डिस्कस करेंगे, फिर भी मैं आपको बता दूं कि यह हीट एक्सचेंजर आपका रिबॉयलर डिस्टिलेशन कॉलम बॉटम में जो आपका फ्लूड होता है जिसको हम डिस्टिलेशन करते हैं डिस्टिलेट करते हैं, तो कुछ आपके वेपर फ्लूइड आप क्या होते हैं लिक्विड बन के चले आते हैं, तो उसको दोबारा वेपर के फॉर्म में करने के लिए इस टाइप का हीट एक्सचेंजर लगा होता है, वहां पे भी स्टीम स्टीम दी जाती है, सब आगे आप डिस्कस देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आप यहाँ जानिए अभी क्या है कि अभी जो है उस प्रकार के नीचे जो रिबॉयलर लगा होता है वहां पे इस टाइप का हीट एक्सचेंजर लगा होता है।
किस टाइप का, यूट्यूब टाइप का। ओके, इसका आप देखेंगे जो क्लीनिंग करने की एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बातें हम कर लें कि हम खोलने के लिए तो यहाँ से इसको आसानी से खोल देते हैं, ठीक है, नट बोल्ट की सहायता से कसा हुआ होता है, लेकिन ये जो ट्यूब होता है जब ये इसी शेप का निकल के आता है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ यहाँ कसा रहता है, नहीं, ये यू शेप का ही रहता है। तो इस ट्यूब में हम मैकेनिकल क्लीनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी अगर मैकेनिकल वायर ब्रश डालेंगे तो यहाँ तक ही आएगा, इधर हो जाने में दिक्कत होगी उस मैकेनिकल ब्रश को। तो इसमें हम केवल केमिकल क्लीनिंग ही कर पाते हैं। क्लीनिंग क्यों करते हैं, क्योंकि बार बार फ्लूड के आने जाने की वजह से स्केलिंग, डर्ट डिपोजिट फॉर्मेशन होता है, उसके लिए हम क्लीनिंग की व्यवस्था बनाते हैं। तो इसमें केवल आप केमिकल क्लीनिंग कर सकते हैं, ये आप एक प्रकार का डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, एक प्रकार का आप डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, हो सकता है अच्छे से क्लीन ना कर पाते हो, ठीक है, लेकिन हाँ ऊपरी भाग को आप मैकेनिकली केमिकली कोई भी क्लीनिंग कर सकते हैं। इसका यूज आपने देखा, इसका यूज इसका ये है कि डिस्टिलेशन के जो ब्रीप वायर लगा होता है वहां पे करते हैं। इसकी डिसएडवांटेज आप एक प्रकार से ये भी बोल सकते हैं कि जो इसका एरिया है सेल और ट्यूब के बीच में वो बहुत कम देखने को मिला है। तो अगले वीडियो में आप देखेंगे जब इसकी एरिया को बढ़ा किया जाएगा वो एक प्रकार का अलग टाइप का हीट एक्सचेंजर होगा, लेकिन याद रखिए यही हीट एक्सचेंजर उसमें जाके मिलके बनेगा, यही आपका हीट एक्सचेंजर यूट्यूब वाला, वो जाके अलग वाले हीट एक्सचेंजर मिलेगा, तो कुछ इसके नाम होंगे, कुछ अलग टाइप के हीट एक्सचेंजर होंगे, तो वो भी आप देखेंगे मेरे इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए ये रहा आपका यूट्यूब हीट एक्सचेंजर। यूट्यूब हीट एक्सचेंजर का आप वर्क देखें, सारे पार्ट्स को मैंने आपको पहले ही बता रखा है, हमें नहीं लगता कि कुछ नए पार्ट्स अब बच रहे होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पर कोई भी प्रॉब्लम है जरूर कमेंट लिस्ट में आप अपना कमेंट करें, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।